मातरम। आज़ादी की अमृत यात्रा के इस अंक में मैं जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रभारी डॉक्टर पुष्कर माला आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ कोल विद्रोह सफल रहा था। इसके नायक वीर बुद्ध भगत थे। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को जबरदस्त चुनौती पेश की। छोटा नागपुर इलाके में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ऐसे भी नायक बुद्ध भगत की 17 फरवरी को जयंती है। इनका जन्म 17 फरवरी 1992 में रांची झारखंड में हुआ था। अब मैं झारखंड के ऐसे वीर क्रांतिकारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम नायक वीर बुद्ध भगत है। 13 फरवरी 1832 अंग्रेजों से लड़ते हुए क्रांतिकारी वीर बुद्ध भगत का बलिदान हो गया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वनवासी वीर बलिदानी बुद्ध भगत ऐसा क्रांतिकारी नाम है जिनका उल्लेख भले इतिहास की पुस्तकों में कम हो पर छोटा नागपुर क्षेत्र के समूचे वनवासी अंचल में लोगों की जुबान पर है। वह अंचल उन्हें दैवीय शक्ति का प्रतीक मानता है और इनके स्मरण से ही अपने शुभ कार्य आरंभ करता है। उन्होंने अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध करने के लिए वनवासी युवाओं की एक सैन्य टुकड़ी गठित की थी। इस लगभग 300 युवाओं की टुकड़ी का सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों से युक्त अंग्रेजी सेना की एक पूरी ब्रिगेड ने घेरा डाला था। बुद्ध भगत के नेतृत्व अंग्रेजों से मुकाबला कर रही इस टुकड़ी ने समर्पण नहीं किया, अंतिम सांस तक युद्ध किया और बलिदान हुई। 13 फरवरी की वह तिथि है जब बुद्ध भगत के नेतृत्व में पूरी टुकड़ी बलिदान हुई। क्रांतिकारी बुद्ध भगत का जन्म 1792 में रांची के वन क्षेत्र में हुआ था। उनके गांव का नाम सिलारसाई था। वे बचपन में अति सक्रिय चुस्त फुर्त थी। बचपन से ही मल्ल युद्ध, तलवार चलाना और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। वे अपने साथ धनुष्वान के साथ हमेशा कुल्हाड़ी भी रखते थे। अंग्रेजों ने वनवासी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के प्रतिबंध। वनवासियों के इस संघर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं कोल विद्रोह तो कहीं लड़का विद्रोह। इस कालखंड में सभी वन क्षेत्रों में आंदोलन आरंभ हुए। सबने अपने अपने दस्ते गठित किए और संघर्ष आरंभ हुआ। बुद्ध भगत के नेतृत्व में गठित वनवासी युवाओं की इस टोली ने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया और अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया। बुद्ध भगत एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको गुरिल्ला युद्ध में निपुणता हासिल थी। उन्होंने अपने दस्ते को गुरिल्ला युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए 1000 के इनाम की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि इस इनाम की लालच में कोई बुद्ध भगत की सूचना दे देगा, पर अंग्रेजों की यह चाल सफल ना हो सकी। एक स्थिति ऐसी बनी कि अंग्रेजों और उनके दलालों को वनोपज बाहर ले जाकर कलकत्ता भेजना कठिन हो गया। तब फौज ने मोर्चा संभाला। अंग्रेजी ब्रिगेड ने पूरी वन क्षेत्र का घेरा डाला और घेरा कसना आरंभ किया। यह घेरा फरवरी के पहले सप्ताह आरंभ हुआ था और अंत में अंग्रेजी फौज उस चौगारी पहाड़ी के समीप 12 फरवरी को पहुंचे। इसी पहाड़ी पर क्रांतिकारियों का केंद्र था। पहाड़ी घेर ली गई और मुकाबला आरंभ हुआ और अंत में 13 फरवरी 1832 को अपने गांव सिलागाई ने अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते हुए बुद्ध भगत बलिदान हुए। उस समय बुद्ध आत्मसमर्पण करना चाहते थे।
जिससे कि निर्दोष लोगों की जाने ना जाए। लेकिन बुद्ध के भक्तों उनके चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। अंग्रेजों ने उनकी इसी साथी को जीत न छोड़ा। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उनकी कहानियां आज भी वनवासी क्षेत्रों में सुनी जाती है। ऐसे वीर नायक को आर्यस परिवार की ओर से सत सत नमन करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। आरजीएस टीजेपीएस केवीएस के आज़ादी की अमृत गाथा के इस अंक में मैं डॉक्टर पुष्कर बाला सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से आप सभी का आरजीएस परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ साधारण सरस्वती मैं इन्हें सत सत नमन करती हूँ। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। 22 फरवरी को स्वामी श्रद्धानंद का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। बचपन का नाम मुंशी रामवीस एवं इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और समाज व भारत को संगठित करने तथा 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन चलाने में महती भूमिका अदा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1922 में कहा था कि साधारण अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी हैं। स्वामी ने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों जैसे जाति प्रथा, छुआछूत तथा मूर्ति पूजा आदि के प्रबल विरोधी सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार बने। 1902 में स्वामी साधारण सरस्वती ने देश के परंपरागत शिक्षा पद्धति के अनुरूप नए रूप में हरिद्वार में एक आंतरिक विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उन्होंने जालंधर में एक महिला कॉलेज की स्थापना की तथा दिल्ली में एक सामाजिक एकता एवं समरसता लाने के लिए दलित उद्वार समिति की स्थापना की। इसके पश्चात स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी आर्य समाज संगठन की ओर से स्थापित शुद्धि सभा के अध्यक्ष भी चुने गए। भारत में आजादी के आंदोलन में नरम दल और गरम दल से जुड़े नेताओं को ही स्वतंत्रता दिवस पर याद किया जाता है, परंतु यह बहुत ही लोग जानते हैं कि आज़ादी की अलख जगाने वाले हमारे कई संत थे जिन्होंने सामाजिक उत्थान और आंदोलन के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया है। 23 दिसंबर 1926 को एक कट्टरपंथी दिल्ली के चांदनी चौक में इस महान समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या कर दी। मैं आरजीएस परिवार की ओर से इन्हें सत सत नमन करती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं,
क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं सकारात्मकता के उदय का, चलिए हम उद्घोष कराएं आरजे एस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजे एस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।